चांद पर जाने वाले मानव मिशन के लिए भारत ने सूर्य को चुना है। जी हाँ, सूर्य भारत का वो खास स्पेस शटल होगा जिसके जरिए भारत अपने गगन यात्रियों को चांद पर ले जाएगा। चांद के दक्षिणी हिस्से पर सबसे पहले पहुंचने वाला भारत अपने मून मिशन की नई तैयारी जोर शोर से कर रहा है। भारत ने गगन यात्रियों को ले जाने वाले खास स्पेस शटल की जानकारी साझा की है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस मिशन के लिए सूर्य नामक एक नया रॉकेट बनाया जा रहा है। नए शटल के पहले भाग के ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन होगा, जबकि निचला हिस्सा लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन पर आधारित नया इंजन होगा। भारत का मेगा रॉकेट सूर्य इसरो के मौजूदा रॉकेटों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इसकी लो अर्थ ऑर्बिट पेलोड क्षमता 40 टन से ज्यादा होगी। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन्स के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य रॉकेट तैयार होने के बाद उनको उम्मीद है कि चांद की सतह पर भारतीय 2024 तक चले जाएंगे। इसरो प्रमुख ने कहा कि पिछले साल चंद्रयान 3 की सफलता से वो उत्साहित हैं। इसके बाद फिर हमारी नजर चांद पर टिकी है। अब भारत की योजना प्राकृतिक उपग्रह के जरिए चांद पर मानव को भेजने की है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो की नजरें फिर से चंद्रमा पर है। अब धरती के उपग्रह चांद पर भारतीयों को भेजने की तैयारी इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में जानकारी दी है। भविष्य के मिशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में जानकारी दी गई है। क्या जानकारी, वो भी आपको बताते हैं। मेगा रॉकेट सूर्य तैयार होने के करीब है। भारतीयों को चांद पर लेकर पहुंचेगा मानव मिशन के लिए NGLV का ये विकास। तो 40 टन वजनी होगा पहला मेगा रॉकेट। रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा रॉकेट की तुलना में विशाल होगा ये सूर्य रॉकेट। मानव आधारित अंतरिक्ष उड़ानों के लिए ये बेहद जरूरी है और 2040 तक गगन यात्रियों के चांद पर उतरने का अनुमान भी व्यक्त किया जा रहा है। तो इसरो की एक और कामयाबी, एक और परचम लहराने के लिए इसरो तैयार। सबसे बड़ी बात है कि 2040 तक गगन यात्रियों के चांद पर उतरने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। Z News।